हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल एफटी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिविल इंजीनियरिंग का, हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट। ये हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आप टाइम पास ना करके आगे बढ़ते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो वॉल्यूम इधर कंसीडर कर रहा हूँ, लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, और मिक्स हो रहा है तो आपका 1:2:4 का, ओके 2:4 का। ये 1:4:2 का मतलब क्या होता है, 2:4 का ये होता है आपका सीमेंट, ये होता है आपका सैंड, और ये होता है आपका एग्रीगेट। वेरी गुड। तो ड्राई वॉल्यूम ये जो होता है आपका कंक्रीट का, ये तो आपका वेट वॉल्यूम में है, ठीक है, ये तो आपका कंक्रीट तो वेट में है, तो आपको इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर एक क्यूबिक मीटर है वेट, तो ड्राई वॉल्यूम कितना होगा, 1:2 कितना होता है एज पर IS कोड, 1.54 हम दे सकते हैं, 54% इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर उस पर एग्रीगेट रहे तो, जब एग्रीगेट ना रहेगा तब प्लास्टर में, एक्चुअली प्लास्टर में तब 33% इंक्रीज होता है। तो इन दैट केस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 1.54, ओके। तो अब कितना सीमेंट है इसमें, सीमेंट सेम फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो ये जाए इतना इज इक्वल टू इन क्यूबिक मीटर, ओके क्यूबिक मीटर में आएगा, क्योंकि इसका क्यूबिक मीटर और वॉल्यूम भी क्यूबिक मीटर में है। तो 1.54 रेशियो से कितना है 1, और सम ऑफ इसे क्या है 1+2+4, ठीक है। तो 1.54 इंटू कितना हो रहा है आपका 6/7, 1/7, ओके। तो कितना आ रहा है, 1.54 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 7, ओके 0.22, तो 0.22 आएगा इतना क्यूबिक मीटर केजी में। सीमेंट का जो डेंसिटी होता है, सीमेंट का डेंसिटी इधर लिखते रहे कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना हो रहा है आपका 1440 केजी पर मीटर क्यूब, ओके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो 0.22 × 1440 कितना हो रहा है आपका, 0.22 × 1440 तो आपका आ रहा है 3.16.8 केजी,
ओके वन बैग कंटेन्स 50 kg सो दिस इज इक्वल टू डिवाइड 50 कितना हो रहा है नियर अबाउट 6.33 बैग 6.33 बैग ओके 133 बैग्स अब आ रहा है कि ये आपका सीएफटी में कितना आएगा सीएफटी होता है वन बैग इज इक्वल 1.226 सीएफटी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा आप लोगों को इसका प्रूफ दिखाऊंगा तो इस 6.33 बैग है 6.33 बैग है तो और यह 1.226 कितना हो रहा है मेरा 1.226 कितना हो रहा है 7.77 CFT ओके तो क्या है आप ये कॉपी पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं क्योंकि नहीं तो भूल जाओगे ठीक है अब सेंट के बारी सेंट कितना हो रहा है सेम फॉर्मूला टोटल वॉल्यूम इनटू टू क्योंकि सेंट टू है ना टू तो कितना आ रहा है मेरा 0.54 इनटू टू डिवाइड बाय 7 0.44 ओके 0.44 ना क्यूबिक मीटर केजी में सैंड का जो यूनिट रेट होता है वो होता है आपका लगभग 1450 एक्चुअली वेरी करता है ठीक है वेरी करता है 1450 से लेकर 1500 तक वेरी करता है तो मैं इसका एवरेज 1450 दे रहा हूँ ठीक है 450 इंटू 0.44 कितना आएगा 1450 इंटू 0.44 638 638 kg ओके अब सीएफटी में आएगा कितना आएगा सीएफटी में आएगा 1 cubic meter इज इक्वल टू 35.3147 सीएफटी अब इसको भी याद रखना पड़ेगा ठीक है तो कितना आ रहा है मेरा 0.44 आया था क्यूबिक मीटर तो 35.3147 करके मेरा कितना आ रहा है 0.44 इंटू 5.3147 3147 कितना आ रहा है मेरा आ रहा है 15.53 ओके 15.54 CFT इतना आ गया ओके इतना आ गया और एक ऑल्टरनेटिव मेथड होता है ऑल्टरनेटिव मेथड मैं इसको ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ठीक है सीमेंट निकालने के बाद इसको ही मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो क्या होता है क्या सीमेंट बैग का नंबर बैग नंबर्स इनटू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इनटू बैग ऑफ सीमेंट इनटू कितना रेशियो ऑफ सैंड और एग्रीगेट ओके
सेंट के लिए सेंट का रेशियो और एग्रीगेट के लिए एग्रीगेट का रेशियो, तो कितना आएगा? सीमेंट बैग का नंबर्स कितना है? 6.33, एक बैग का कितना होता है? 1.226। ओके, सेंट के लिए, अब सेंट के लिए निकला है तो दो कितना है? ये 51.54 आया था ना, और ये सीएफटी में आया था, तो ये आएगा आपका क्यूबिक मीटर में आएगा, सॉरी सीएफटी में आएगा, ठीक है, क्योंकि 1.226 जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब आपका सीएफटी में आ गया, तो 6.33 इंटू 1.226 इंटू 2 15.52 लगभग ये वाला, ठीक है, वो पॉइंट का जो इधर उधर होता है ना, इसके लिए एकदम एक्यूरेट नहीं है लेकिन आ गया। अब एग्रीगेट ओके, एग्रीगेट सेम 6.33 इंटू 1.226 इंटू कितना? इंटू 4 ओके, इंटू 4, तो मैं इधर 4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कितना वाला 6.33 इंटू 1.226 इंटू 4 कितना आ रहा है? 31.04 सी एफ टी आएगा। ओके, अगर आप इसका कॉन्वेंशन भी देख लेना चाहते हो तो दिखा दे रहा हूँ, 1.54 इंटू 4/7 इंटू, ये तो आपका क्यूबिक मीटर में आएगा ना, तो 1.54 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7 आपका आ रहा है 0.88, इसका आपका सी एफ टी में आएगा हो रहा है 0.88 इंटू 31.3147 तो क्यूबिक मीटर आर डी आर का सी एफ टी में आएगा आपका पॉइंट इंटू के बाद 0.88 इंटू 31.3147 ओके 35 होगा, ठीक है, 0.88 इंटू 35.3147 31.07 ठीक है ओके। अब आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका केजी में है, केजी में कैसे करेंगे, केजी के लिए जो एग्रीगेट का जो यूनिट वेट होता है, एग्रीगेट के यूनिट वेट 1500 ले सकते हैं, क्योंकि वो जो होता है ना उसका होता है ये 1450 से लेके 1550 तक वो वैरी करता है, तो हम इसका बीच का कुछ नंबर ले रहे हैं 1500 इंटू आपका वो 4/7 इंटू 1.54 और आपका कर सकते हो 1500 इंटू 0.88 ओके, सो 1500 इंटू 0.88 आपका कितना हो रहा है? 1320 के आसपास हो रहा है, ठीक है, 1320 केजी ओके, ये हम ऐसे ही दिखाया। अब जब आप निकालेंगे तब हाँ मैं बोलता हूँ कि ये ऑल्टरनेटिव मेथड ये जो है एकदम इजी है, सीमेंट निकालने के बाद आप एकदम सिंपली सा ये वाला मेथड अप्लाई कर दीजिए। ये वाला में तो थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत लंबा लंबा स्टेप करना पड़ता है, लेकिन मैं सजेस्ट यही करता हूँ, ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और भी मोटिवेशनल और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आईएएस कोड का भी जो बेसिक पॉइंट होता है वो भी शेयर करूँगा, और वन बैग इज इक्वल टू कितना सेफ्टी वो भी हमको आप लोगों को पढ़ाऊँगा, और उसके बाद मैं बीबीएस का भी आएगा
और उसको एक्सेल पे कैसे करते हैं, यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो है ऐसे कि वो लोग कटिंग लेंथ निकालना तो दिखा दिया, लेकिन वो लोग सब कॉपी में किया। अब एक्सेल में या आप लोगों को सबको जो इंडस्ट्री में आप लोग जाएंगे, कंपनी में जब जाएंगे काम करने, तब आपको एक्सेल में ही करना पड़ेगा। तो आप एक्सेल में कैसे पेज सेटअप करते हैं, कैसे दिखाते हैं, उसके लिए आप लोगों को हम एक्सेल में कैसे डिग्रेस करते हैं, कैसे बिल करते हैं, कैसे एस्टिमेट करते हैं, वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।